नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नए साल के पहले दिन रीवा शहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में तमाम लोग पहुंचे। सुबह से ही इन जगह पर लोगों के आने जाने का सिलसिला प्रारंभ रहा। रीवा के चर्च की बात की जाए तो आज ईस्टर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहां पर फादर ने विशेष प्रार्थना की। उनका कहना था, हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, जिसके चलते हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। रीवा के सर्वाधिक पुराने चर्च के फादर ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मनुष्य के नाते परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य होता है, इसलिए नए वर्ष के दिन हम लोग सब एकत्रित होकर नए निश्चय के साथ कोशिश करते कि अपना जीवन परमेश्वर के साथ हम रखेंगे, क्योंकि उसका वचन हमें कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे ऊपर मैं आशीष देते रहूँगा। वही आशीष पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं। रीवा वासियों को, मध्य प्रदेश के सभी जनता को और हमारे भारतवर्ष में रहने वाले सभी भाई बहनों को मैं नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।